परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने सोमवार को परिवहन विभाग की बहुप्रतीक्षित राजधानी बस सेवा का शुभारंभ किया। इसके पहले चरण में 7 एसी बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें रायपुर कांकेर, रायपुर रायपुर, कवर्धा रायपुर, रायपुर सरायपाली, रायपुर और रायपुर राजनांदगांव, रायपुर के लिए चलेंगी। इस नॉनस्टॉप बस सेवा अगले चरण में अन्य स्थानों के लिए भी एसी बसें शुरू की जाएंगी। परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी बस सेवा की सभी बसें नई और चेयर कार होंगी। बसों में सुरक्षा के लिहाज से जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा और समय का विशेष ध्यान दिया जाने का निर्देश बस ऑपरेटरों को दिया गया है। इस बस सेवा से जुड़े ऑपरेटरों को टैक्स में 50% की छूट दी गई है। इसके लिए 19 मार्गों का चयन किया गया है। परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने सर्किट हाउस में 7 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव परिवहन अमिताभ जैन, अपर परिवहन आयुक्त ओपी पॉल, रायपुर आरटीओ पुलक भट्टाचार्य सहित परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। इसका उद्देश्य यही है कि जो खास करके 100 किलोमीटर के सराउंडिंग में लोग रहते हैं, जिनको शहर में आने के लिए अन्य बसों के सारे आते थे, तो समय पर बस नहीं पहुंचना, सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। अपने स्वयं के जो थोड़े बहुत सक्षम लोग हैं वो अपनी गाड़ियों से आते थे, तो उनको वो सब होता था। लेकिन हमने समय की पाबंदिता और उन दोनों को ध्यान रखते हुए राजधानी बस सेवा प्रारंभ की।